इस कहानी की शुरुआत होती है एक अगवा हुई रानी से, जिसे कि एक डाकू उठाकर ले जाता है और उसके बाद उसका राजकुमार उसे बचाने आता है। चुपचाप मेरी रानी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, वरना तुम देख ही सकते हो मेरे पास बहुत सारे आग के गोले हैं, मैं इनसे ही तुम पर अटैक करूंगा। अरे तो मैंने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है, मेरे पीछे देख रहे हो मेरी पूरी सेना है और उन्हीं के बीच में तुम्हारी रानी, वो भी बेहोश पड़ी हुई है। अगर तुमने हमला किया ना तो तुम्हारी रानी भी जल जाएगी। बोलो तुम्हें मंजूर है, करो ना अटैक। अरे ये क्या, ये तो एकदम सही बोल रहा है, हम लोग रानी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम एक काम करो, इसे पैसे ऑफर करो। हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, देखो रानी को कोई नुकसान मत पहुंचाना, मेरे पास एक और ऑफर है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें $50,000 दे सकता हूँ, उसके बदले तुम्हें रानी को छोड़ना होगा। अरे जाओ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पैसों से खरीद लोगे? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा ठीक है, काम करो, 50,000 नहीं, तुम पूरे $2,00,000 रखो। अरे यार ये क्या बोल दिया तुमने, एक काम करो अपनी रानी लेकर जाओ और मुझे मेरे पैसे दे दो। अरे क्या यार शिनचैन, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, तुमने इतने जल्दी हार क्यों मान ली? अरे क्या करूं यार चौप, पैसों का सुन के ही मेरा मन तो पानी पानी हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से शुरू करते हैं, वो भी स्टार्टिंग से। हाँ पर इस बार मैं डाकू बनूंगा और रानी को किडनैप करूंगा। गाइस यार पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, वहाँ सामने तो नहीं रखा, अबे यार यहाँ पर भी नहीं है। रात को मूवी देखने के बाद मैंने टैब यही कहीं पर रखा था, पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर भी खाली लैपटॉप है, शायद शिनचैन और चॉप ने देखा होगा, उनसे ही जाकर पूछ लेता हूँ। गाइस शिनचैन चॉप एक मिनट, अबे यार वो तो मेरा ही टैब है, ये लोग उसके साथ खेल रहे, इनकी तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अभी जाके उनको सबक सिखाता हूँ। कितनी बार बोला है कि मेरी चीजों को मत छुआ करो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे ये तो फ्रैंकलिन भैया की आवाज है, बोलो क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम लोग मेरा टैब इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है तुमको कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो? अरे पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तो बस इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे थे ताकि खेलने में फील आ सके। ओ भाई तुम्हारे गेम के फील के लिए ये सब नहीं खरीदा है मैंने, ये मेरे काम की चीज है, इसको वापस लौटाओ। फ्रैंकलिन भैया आप कुछ ज्यादा ही कर रही हो, रख लो आपका सामान, हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं थोड़ी देर रुक जाओ, हमारा शहजादा बस रानी को लेकर ही जाने वाला है। तो आप मुझे कोई मतलब नहीं है, तेल लगाने गया तुम्हारा शहजादा और तेल लगाने गई तुम्हारी रानी, मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने। हाँ चलो गाइस आखिरकार मिल ही गया, सुबह से ढूंढ रहा हूँ इसको। और तुम दोनों ये सारा कचरा साफ करो, हाँ नहीं तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे यार छोड़ो चॉप, हमें किसी टैब की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही खेल लेंगे। अरे बाप रे ये क्या, इन्होंने तो हमारा पूरा सेटअप ही उलट पुलट कर दिया है। देखा चॉप, अपना टैब लेने के चक्कर में हमारे सारे खिलौने बिखेर दिए, अब हम इन सबको वापस कब लगाएंगे? फ्रैंकलिन भैया ने ये तो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे पर हम लोग क्या करेंगे, वो भी इतनी सी बात के लिए? ये इतनी सी बात नहीं है, मेरे दिमाग में एक प्लान है। तुम पुल के उस साइड जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ बचाओ बचाओ, देखना फिर क्या होता है। अरे पर मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर मैं क्यों चिल्लाऊं? अरे तुमसे जितना कहा है उतना करो ना, जल्दी से जाओ। अच्छा ठीक है जाता हूँ, पर कुछ गड़बड़ मत करना। चलो गाइस जल्दी से छुप जाते हैं, अब आएगा मजा। अरे यार चॉप जल्दी चलो ना, कितना धीरे चल रही हो, अब बस देखते जाओ गाइस क्या होता है। मुझे लगता है ये जगह ठीक रहेगी, अब शुरू हो जाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया बचाओ, जल्दी से कोई आओ यहाँ पर। अबे यार ये तो चॉप की आवाज थी ना, क्या हुआ चॉप मैं आ रहा हूँ। चॉप अबे यार आवाज तो यही से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। चलो यही चांस है, अभी जाके उनकी पुंगी बजाता हूँ। फ्रैंकलिन भैया आप तो गए, ये लो आई बड़े हमें परेशान करने वाली। अबे यार ये किसने किया? एक मिनट चॉप तो यहाँ से चल के आ रहा है, तू चिल्ला क्यों रहा था? और ये मुझे पानी में धक्का किसने दिया? अरे क्यों आ गया स्वाद, शिनचैन ये तेरा काम है। पर क्यों? अरे क्योंकि आपने हमारे सारे खिलौने बिखेर दिए थे, हम कितने अच्छे से खेल रहे थे। फ्रैंकलिन भैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये आपको स्विमिंग पूल के अंदर फेंकने वाला है। शिनचैन यार तेरे को थोड़ी भी अक्कल है कि नहीं है, पूरे कपड़े भिगो दिए, अब जाके चेंज करने पड़ेंगे। एक तो मेरे पास वैसे भी ज्यादा कपड़े है नहीं, जाके कोई टी शर्ट वीशर्ट पहन लेता हूँ, इतना गीला होके तो घूम नहीं सकता। अरे तुम्हें क्या लगता है चॉप, हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? हमारा तो पता नहीं, पर तुमने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। चलो गाइस कपड़े तो बदल लिए। अरे यार अब किसका कॉल आ रहा है? टोनी। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, शहर से एक बच्चा किडनैप हुआ है और सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि जिसने उसे किडनैप किया है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं शहर से बाहर आया हुआ हूँ, तुम्हें ही जाके उसे बचाना होगा। क्या बात कर रहा है, फिर तो मुझे जल्दी से उसकी लोकेशन भेज, वो लोग बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। चलो गाइस आ गया काम, शिनचैन चॉप मेरी बात सुनो, हमें अभी के अभी जाना होगा। अरे पर हमने तो खिलौने भी अच्छे से नहीं रखे है। अरे
अरे यार वापस आके रख लेना, फिलहाल चलो जल्दी से हमें फटाफट पहुंचना होगा। गाइस उस बच्चे की जान को खतरा है, अभी तक तो ये भी नहीं पता कि ये काम है किसका। जल्दी आ जाओ यार। अरे बस आ गया हूँ ना, क्या सुबह से चिल्ला रही हो। अरे फ्रैंकलिन भैया बता तो दो कि जा कहां पर रहे हैं। देख टोनी का फोन आया था, उसने बोला है कि शहर से एक बच्चा किडनैप हुआ है और उसकी जान खतरे में है। अरे क्या बात कर रही हो, इसका मतलब मैं भी कभी किडनैप हो सकता हूँ। तेरा मुझे टेंशन नहीं है, तू किडनैप हो भी गया ना तो किडनैपर सामने से मुझे पैसा देगा और तुझे छोड़ कर जाएगा। अरे यार बस करो, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। ये कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया ये कैसी जगह ले आए हो, यहाँ तो पास में कब्रिस्तान है और ये रास्ता भी जंगल वाला है। चौप यार इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, टोनी ने जो लोकेशन भेजी थी ना वो इसी जंगल के अंदर से आ रही है, तो अब जाना तो पड़ेगा ही। अरे संभल के चलाना, एक तो कोहरा इतना है कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो गाइज लोकेशन तो यहीं पर आके खत्म होती है और इस पूरे जंगल में बस एक यही घर है जो कि काफी डरावना लग रहा है। मुझे यहाँ से कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही। शिनशान चौप मेरी बात सुनो, आसपास ध्यान रख के चलना, यहाँ पर खतरा हो सकता है। अच्छा ठीक है। देखो इसके अंदर मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम दोनों बाहर ही खड़े रहो, अंदर कुछ भी हो सकता है। चलो गाइज जल्दी से चलते। ओ भाई यार ये बिजली कहाँ से आई। ओ तेरे की बुरा बच्चा, प्लीज मुझे तोल दो, मुझे दानी दो। गाइज मुझे यहाँ पर देख के ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो कोई भी है ना इस बच्चे को पकाने की तैयारी में। शिनशान चौप तुम दोनों बाहर ही रहना, अंदर के हालात ठीक नहीं लग रहे। हेलो आप जो कोई भी हो जरा मेरी बात सुनिए। एक मिनट, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। ओ भाई साहब तो भाई ये तो एक दादी अम्मा है और बहुत ही डरावनी दिख रही है। देखो मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता पर आप जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, अपनी उम्र का तो लिहाज करो। वही तो कर रही हूँ, अब मेरी उम्र नहीं रही कि मैं जवान लोगों को खाऊं, इसलिए बच्चे किडनैप करती हूँ। देखो चुपचाप उस बच्चे को छोड़ दो, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तैयारी कर ली है। अब तो पानी और तेल के साथ सारे मसाले पक चुके होंगे, मुझे बस इस बच्चे को अंदर डालना है। क्या? अबे यार ये तो इसको सच्ची में पका के खाने वाली है, दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। देखो बच्चे तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, मैं अकेली शैतान नहीं हूँ, मैं तुम सबके अंदर एक शैतान देख सकती हूँ। एक मिनट, मेरे अंदर कोई शैतान वैतान नहीं है। तुम उसे नहीं देख पाओगे पर मैं यहाँ से तुम्हारे अंदर के शैतान को देख सकती हूँ। अबे यार इसको कहाँ से दिखाई दे रहा है, मेरी बॉडी पे तो कुछ नहीं लगा, सब तो क्लियर है। देखो मेरा ध्यान मत भटकाओ, चुपचाप वो बच्चा मेरे हवाले करो। पर तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो, यह तो कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। अरे अम्मा जी रुक जाओ, इनको तो हाथ लगाने से भी डर लग रहा है। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ओह गाइस आप लोगों ने देखा क्या, इस दरवाजे के उस साइड पक्का कुछ तो है जो बहुत ही अजीब है। मुझे वहाँ पर जाके चेक करना चाहिए या नहीं, अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, पर जाना तो हो गई। पहले थोड़ा खोल के देखता हूँ। ये देखो, जाने का मन तो नहीं कर रहा गाइस पर जाना होगा, जल्दी से चलते हो। नहीं यार आउच भाई साहब। ये मैं कहाँ पर आ गया। माउंटेन लायंस, अबे यार दूर हो जाओ। ये कहाँ पर फंस गया गाइस मैं, हमें यहाँ से भागना होगा, जल्दी जल्दी जाते हैं यहाँ से। भाई अबे यार आगे तो खाई है। ये मैं कहाँ फंस गया यार। ये तो गाइस वही वाली बात हो गई, आगे कुआं पीछे मेरे खाई, तू ही बता जाऊँ मैं कहाँ, बहुत बुरा फंस गए। अरे चौप तुम्हें नहीं लगता फ्रैंकलिन भैया कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रही है। हाँ अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे एक मिनट, ऐसा लग रहा है कोई इस साइड आ रहा है। अब ये कौन है। कैसे हो बच्चों, तुमसे मिलके खुशी हुई। गाइस यार कुछ करना पड़ेगा वरना ये हमें नोच खाएंगे। कैसे हो। अबे यार ये तो उस बूढ़ी अम्मा की आवाज है। देखो मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पहले मेरी बात को सुनो, मैंने तुम्हारे अंदर शैतान देखा है, मैं उसे बाहर निकालना चाहती हूँ पर बिना तुम्हारी परमिशन के मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकती। देखो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये शेर तुम्हें खा जाएंगे, और अगर इनसे बच भी गए तो तुम्हारा वो कुत्ता और वो छोटा बच्चा मेरे ही पास है, या तो तुम मरोगे या तो वो। नहीं नहीं उन्हें कुछ मत करना, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। बस यही सुनना था मुझे, अब तैयार हो जाओ। ये लो।
गाइस यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। देखो दादी अम्मा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब मुझे यहाँ से निकालो। जैसी तुम्हारी इच्छा। आउच भाई साहब, मुझे बहुत जोर का दर्द हो रहा है गाइस। एक मिनट, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? अबे यार ये तो शहर है, मैं वापस से पहुँच गया। पर जरा गाइस मेरी बॉडी देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने नोच खाई है। मुझे बहुत ही अधूरा सा फील हो रहा है और बहुत ज्यादा भूख लग रही है। देखो मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, पर ऐसा लग रहा है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर देना। ओ भाई यार, ऐसा लग रहा है पेट में कुछ गया। अबे यार ऐसे तो सब लोग भाग जाएंगे। रुको दीदी, जाती कहाँ पर हो? यहाँ पर आओ। ओ, क्या मजा आ रहा है खाने में गाइस। पता नहीं ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, पर जैसे इनको खा रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है, मेरे घाव भर रहे और मेरी भूख भी मर रही है। मुझे थोड़ा और जल्दी करना होगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सब लोग यहाँ पर आओ, जाते कहाँ पर हो? हो किसी को भागने नहीं देंगे गाइस। मेरे अंदर बहुत ही अजीब सी काली पावर्स आ गई है, पता नहीं उसने कौन सा ब्लैक मैजिक किया है हमारे ऊपर। अभी भी थोड़ी जगह है, मुझे लगता है ऐसा करके मैं खुद को रिकवर कर सकता हूँ। अब बस ऐसा मुझे लगता है, होगा या नहीं वो पता नहीं। माफ करना अंकल, पर आप भी मेरे पेट के अंदर जाओगे। और ये भाई साहब, अब जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मिनट, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से दूर जाता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ये जगह ठीक रहेगी। अबे यार ऐसा लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे घाव ठीक हो रहे हैं। ओ ये क्या हो रहा है? ओ बस हम लोग थोड़े से अलग दिख रहे हैं। अबे यार ये मेरे गले में किसका स्केलेटन लटक रहा है? तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम? ओ आउच भाई साहब, अब ये मैं कहाँ पर पहुँच गया? और एक मिनट, ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है, कुछ दिनों से बहुत परेशान है क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो लापता है। हाँ ठीक है वो लापता है, पर उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। मेरी बात सुनो, वो लोग मेरे भाई को उठा ले गए, प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं उसे छुड़ा पाऊँ। अच्छा अच्छा ठीक है, इसकी तो खुद की हालत खराब लग रही गाइस। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा ठीक है, पता नहीं गाइस ये कहाँ पर लेकर जाएगा। एक तो इसको देख के मुझे वैसे डर लग रहा है। गाइस एक प्रॉब्लम है, इसने मुझे ये नहीं बताया था कि इसके भाई को पुलिस वाले उठा कर ले गए। तुम मेरी बात सुनो, यहाँ से अकेला मैं जाऊँगा, तुम्हारा अंदर आना ठीक नहीं है वरना वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं जाकर छुप जाता हूँ कहीं पर। चलो गाइस वो तो गया, अब अपनी बारी अंदर जाने की, बस जिंदा लौट जाओ वापस। ओ भाई यहाँ तो बाहर ही एक पुलिस वाला है, पर इसका ध्यान मुझ पर गया ही नहीं, फोन में लगा पड़ा है ड्यूटी के टाइम पर। चलो यहाँ तो रास्ता साफ हुआ, अब अंदर पता नहीं क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे घुस जाता हूँ। ओ लग गए गाइस। अपने हाथ ऊपर कर लो, इस सूट के साथ एक छड़ी मिली है, इसमें पक्का कुछ तो पावर होगी। ये लो। वो भाई साहब, गाइस जरा देखो तो सही, ऐसा लग रहा है मैंने इनको किसी चीज में फंसा लिया है। अबे यार उठना नहीं, उठना नहीं। चलो ये भी गया, बहुत ही अलग सी पावर है, मैं तो एक शैतानी बन गया हूँ। जरा देखो तो सही, ये लोग हिल तक नहीं पा रहे। हे तुम वहीं पर रहो, आगे मत बढ़ो। अब ये आवाज कहाँ से आई? अबे यार एक बचा हुआ था, इनकी हालत देख के तो तुझे आवाज लगानी भी नहीं चाहिए थी। अब भुगत ये ले। और ये भी गया गाइस। चलो अभी हम लोग जा सकते हैं। देखो अगर उसे पकड़ा हुआ है तो पक्का जेल में ही रखा होगा, उसके सिवा तो कहाँ रखेंगे। ओ अबे ये कहाँ से आ गया तेरी तो? मेरे पास तो बहुत सारे अलग अलग मैजिक है, मैंने इसको एक मुर्गी बना दिया है, ये सब बहुत ही अजीब सा है मेरे लिए। ओ यहाँ पर भी एक है। और ये रही एक पुलिस वाली मुर्गी। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट, कहाँ हो सकता है वो? एक मिनट, यहाँ पर कोई है, मुझे लगता है यही उनका भाई होगा क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या तुम मुझे लेने आए हो? प्लीज मुझे बचा लो। अच्छा ठीक है रुको मैं खोलता हूँ। चलो गाइस ये खुल गया, अब मेरी बात सुनो, चुपचाप मेरे पीछे आना। चलो अब जल्दी से बाहर निकलो। ये देखो गाइस ये मुर्गी अभी भी यही पर है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, ये कभी एक पुलिस वाला हुआ करती थी। चलो शांति से आ जाओ, रास्ता आगे का तो साफ ही है। फाइनली गाइस बाहर पहुँच गए, मैंने इसे छुपने के लिए कहा था, ये तो खुले में आके खड़ा हो गया। अब मेरी बात सुनो, अपने भाई को लो और फटाफट यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अलार्म तो बज चुकी है, बहुत जल्दी यहाँ पर फोर्स पहुँच जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, चलो बड़ा भैया फटाफट यहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग तो निकल गए गाइस, अब हम भी निकल जाते हैं इससे पहले कि और पुलिस वाले पहुँचे यहाँ पर। लगता है हमने देर कर दी है, ये लोग तो पहुँच गए, वो लोग 10 सेकंड से बचे वरना वो भी जाते। तुम्हारी तो मैं। अब यार इसमें तो बहुत सारी अलग अलग पावर्स है, हर बार कुछ नया ही देखने मिलता है। चलो 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 चलो, इसकी तो मैं ये ले।
गाइस यार क्या बात है, अब जरा इस गाड़ी को नचाते, ये ले और ये खा और ये ले। मान गए, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो पावर मिली है ना वो बहुत ही कमाल की है और काफी नई है। अबे यार मैं तो बिजली के झटके भी छोड़ सकता हूँ। तेरी तो दूर हट मुझसे और जा यहाँ से। तू क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? चलो गाइस, मुझे ये सब करना तो नहीं था, बहुत ही बुरा लग रहा है, पर ये मेरी मजबूरी है। देखो भाग कर तो इनसे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा। इस सूट में और भी कुछ है या नहीं? वो एक झाड़ू। गाइस हम लोग इसकी मदद से उड़ सकते हैं। एकदम विच वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। चलो कम से कम दूर तो हुए, हमने उनसे पीछा छुड़ा लिया है। ओ भाई फिर से कुछ तो अजीब सा लग रहा है, मुझे और भी ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। पक्का कुछ तो होने वाला है गाइस, ऐसा लग रहा है मैं और ज्यादा हील हो रहा हूँ। वो हम तो फिर से अपग्रेड हो गए। और ये क्या मेरी छाती पर एक आंख? मेरे तो पंख भी निकल आए। जरा देखे तो सही ये काम करते भी है या नहीं। हम लोग उड़ पा रहे, जरा अपनी स्पीड बढ़ाई जाए और ये मैं चलाऊं। अबे यार मैं तो हवा में था, यहाँ पर कैसे पहुँच गया? उस बूढ़ी चुड़ैल ने तो कुछ बोला भी नहीं था। एक मिनट डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ फ्रैंकलिन, मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि तुम बहुत ही गलत काम कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। देखो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज अभी मेरे रास्ते में मत आओ, मैं किसी चीज से गुजर रहा हूँ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सब तुम्हारे कंट्रोल में है, बस तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना, ये तुम्हें बहका रहा है। याद रखना तुम्हारा छोटा भाई मेरे पास है। अबे नहीं यार डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज मुझे माफ कर दो, पर ये टाइम बहस का नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि इस टाइम पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे माफ कर देना फ्रैंकलिन, पर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। अब मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने वार्न किया था। ये लो, कहा के दूर हो जाओ, जाने दो तो मान ही नहीं रहे। गाइस यार इस सूट के साथ तो और भी पावर बढ़ गई है, जरा देखो तो सही क्या हालत कर दी है डॉक्टर स्ट्रेंज की मैंने। और ये लो, हार मान जाओ और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है करो, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, पर मैं तुम्हें इसके आगे जाने नहीं दूंगा। ओ अबे यार अब बताते ही ने। ओ आउच टांग गई। कोई नहीं फिर से खड़े होंगे, बहुत हो गया आपका, कब से प्यार से बात कर रहा हूँ तो मान ही नहीं रहे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये गई लात, मुझे लगता है पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब ये लो, ओ अबे नहीं नहीं छोड़, आउच आउच, इन्हें ज्यादा देर खुला नहीं छोड़ सकते। ये लो और ये खाओ, अब तो तुम गए। इन्हें तो बेहोश करके रहूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, फिर इनको होश आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो गाइस फटाफट निकले यहाँ से। एक मिनट फिर से कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है हमें वापस से बदलाव आ रहे हैं, पर इस बार बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये चेंजेस कुछ ज्यादा नहीं हो गए? मैं तो पूरी तरीके से शैतान लग रहा हूँ। तुम शिनचैन को कभी नहीं बचा पाओगे। एक मिनट तुम फिर से होश में आ गए। प्लीज यार चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम्हारा ये हाल जिसने किया है मैं उसके बारे में जानता हूँ, वो बहुत ही ताकतवर विच है। हाँ मुझे पता है, तभी मुझे उसका काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि शिनचैन और चॉप उसके पास है, मैंने नहीं किया तो वो उन्हें मार देगी। तुम उन्हें बचा सकते हो, पर अगर तुम ऐसे ही लगे रहे तो ना खुद को बचा पाओगे ना उनको। मेरी बात लिख कर लो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं फंसा हुआ हूँ, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो उन दोनों को मार देगी, और अगर मानता रहूंगा तो कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तुम ठीक हो सकते हो, वो विच जहाँ पर रहती है उसके पास कुछ फ्रूट्स होंगे जो कि जादुई है, वो खाने से तुम पहले जैसे हो सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा, उस विच की तो खैर नहीं। चलो मैं चलता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमसे बाद में आके मिलूंगा। गाइस बारी आ गई है वापस वहाँ पर जाने की जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, अब बढ़ाते हैं अपनी स्पीड को। ओहो ये पंख गजब के है यार, और मैं क्या अच्छे से उड़ पा रहा हूँ। जरा देखो तो सही, ये रूप मुझे अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। तो गाइज हम लोग जंगल में पहुंचने ही वाले हैं। और ये चलो आज का मौसम थोड़ा साफ है, अब मुझे आराम से देखना होगा शिनचैन चॉप कहाँ पर है। चॉप मुझे दिख रहा है और वो रहा शिनचैन, जरा देखो तो सही गाइज। अब नहीं यार, और बूढ़ी अम्मा अभी भी यही पर है, और ऐसा लग रहा है कि ये तो इनको भी खाने की तैयारी कर रही है, पर इस बार मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। बहुत हो गया, यहाँ पर आओ, ये पावर्स तुमने मुझे दिए ना, अब देखो मैं इसका कैसे फायदा उठाता हूँ। और ये लो, क्या गाइज वो हमारी गाड़ी थी? देखो उसे मैंने इसी साइड फेंका था, अब टाइम आ गया उसे खत्म करने का। ये रही वो, अब क्या करोगी तुम? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं कभी नहीं मर सकती हूँ, ना तुमसे ना किसी और से, ये वरदान है मुझे। ऐसी बात है तो ये लो, मैं इसे जलाकर ही खाक कर दूंगा, तुम तो नरक की आग में जलोगी। चलो गाइज मुझे लगता है मैंने काम कर दिया, किसी से नहीं मरूंगी। एक मिनट, अबे यार इसे तो सच्ची में कुछ नहीं हुआ। देखो गाइज अगर हम इसे मार नहीं सकते तो कुछ और तो कर ही सकते। भागती कहां?
पर हो, ये लो। देखो अब ऐसा हो जाएगा कि इसकी बात भी ठीक है और मेरी बात भी ठीक है, ये मर नहीं सकती पर कुत्ते के रूप में तो रह सकती है ना। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये ऐसे ही रहेगी। चलो अब जल्दी से जाते क्योंकि खुद को तो बदलना है ना। शिनचैन चॉप, तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा यार, तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे हम तो ठीक है, पर ये आपको क्या हो गया है, जरा देखो तो सही। हाँ मुझे पता है शिनचैन, देखो अगर मुझे ठीक होना है तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि इस घर में कोई तो फ्रूट पड़े होंगे, अगर मैंने वो खा लिया तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। तुमने वो कहीं देखे है क्या? अरे नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं देखा, पर वो बूढ़ी अम्मा थी ना वो हमेशा इस रूम में जाती रहती थी। एक मिनट, इस रूम में? इसमें तो एक जादुई दरवाजा है ना, जरा खोल के देखे गाइस। अबे यार कहाँ गया? मुझे लगता है उसकी ताकतें खत्म हो गई है। चलो अच्छी बात है, अब अंदर जाकर देखते हैं। ओ ये रहे फ्रूट, तभी उसने यहाँ पर जादुई दरवाजा रखा था, तो अब हम भी फ्रूट खा लेते हैं। और ये फाइनली गाइस हम लोग नॉर्मल हो चुके हैं, पहले जैसा बनके कितना अच्छा लग रहा है क्या बताऊं। अब सबसे पहले मैं एक ही काम करने वाला हूं, और वो गाइस ये है कि इसकी तो मैं हर किसी को बनाकर खाना है, सेटअप भी बिगाड़ दो। वैसे तो वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती।